अल्लाह का शुक्र है कि जो है सामाजिक जिम्मेदारी से आज आप वोट करने गए थे, अपने फोटो देखे जी। बहुत सारे लोग हमें से वोट करने नहीं गए थे, उन्हें कुछ कहना चाहते हैं आज? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो है वोट हमारा अधिकार है और उसे कोई नहीं छीन सकता। और एक ऐसा टाइम होता है, एक ऐसा पीरियड होता है कि जिसपे आप एक ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं, ऐसे व्यक्ति चुनने का मौका मिलता है कि वो कुछ आपके आपके हित में करे, हमारे समाज हमारे देश के हित में करे। तो ये बड़ा अच्छा अवसर रहता है कि एक ऐसे कैंडिडेट को चुने जो आपकी बात सांसद दिल्ली तक पहुंचाए, हमारे मंत्री तक, हमारे प्रधानमंत्री तक पहुंचाए। तो हमें जो है ये बहुत अच्छा अवसर होता है, इस अवसर को जो है नहीं छोड़ना चाहिए और सबको वोट करना चाहिए। आपकी नजर में कोई ऐसा कैंडिडेट नजर आया आपको? हाँ, कैंडिडेट नजर आया, तभी तो वोट दिया, और मैं बता तो नहीं सकता, तो जाहिर सी बात है। आयाज भाई जी, दिनेश लाल यादव निरहुआ लड़ रहे हैं जी, जी जी जी। अगले फेज में उनकी उनकी किस्मत का भी फैसला होगा, शायद चुनावी उनका क्या भविष्य होगा उसका। आयाज खान प्रचार करने जा रहे हैं निरहुआ के लिए? नहीं, अभी बात तो चल रही है कि दिनेश जी के लिए प्रचार करने जाना है, और बेशक मैं कोशिश करूंगा कि टाइम निकाल के जाऊं, क्योंकि उन्होंने हमारे जो भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ किया है। सबसे बड़ी बात है कि वो एक बहुत अच्छे इंसान है, और जो एक अच्छा इंसान, जो एक अच्छा व्यक्ति होता है, वो जब भी कोई कार्य करेगा, वो चाहे फिल्म का हो, चाहे देश की बात हो, चाहे राजनीति की बात हो, वो अच्छा ही करेंगे। क्योंकि आदमी की सोच अच्छी होनी चाहिए, पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति और अच्छा ही काम करेगा, वो किसी भी क्षेत्र में जाए तो सोच अच्छी अच्छी है उनकी, सबसे बड़ी बात ये है। आयाज भाई की इंसान बहुत अच्छे हैं, लेकिन शायद पार्टी ठीक नहीं चुनी है, आयाज खान को क्या लगता है? नहीं देखिए, अभी तो हर आदमी का अपना अपना मत है, अभी लोग यही कह रहे हैं कि जो है उन्होंने जो है गलत पार्टी चुनी, लेकिन ये हम कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं जो, लेकिन दिनेश जी भी तो वो कुछ सोच समझ कर गए होंगे जी। मुझे लगता है कि हम लोग जो बोल रहे हैं, जो ये लोग बोल रहे हैं कि जो है दिनेश जी ने अलग पार्टी चुनी, गलत पार्टी चुनी, उनको क्या पता अंदर की बातें, उनको क्या पता, वो तो बाहर से बोल रहे ना। लेकिन दिनेश जी एक पढ़े लिखे और समझदार व्यक्ति, जैसा कि मैंने आपसे अभी कहा जी, तो उन्होंने जो है कुछ किया है तो कुछ अच्छा ही सोच के किया होगा, क्योंकि अनपढ़ तो है नहीं। उन्होंने जो है इतना जो है घुमा फिरा, दुनिया देखा है, अच्छा बुरा सब वो जानते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा ही सोच के गए होंगे। फिल्म के